गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। टुडे वी आर गोइंग टू रीड टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम लोगों ने इंडेफिनिट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा, समझा भी, होमवर्क में कहीं जो डिफिकल्टी गई होगी उसको आप लोग इंगित करते रहेंगे, उसका भी समाधान होता रहेगा। इस प्रकार से वी आर गोइंग टू द पॉइंट्स टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भैया बहनों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि हमने वर्तमान समय में काम को कर लिया है। जैसे मैंने पाठ पढ़ा है, या मैंने पाठ पढ़ लिया है, या मैं पाठ पढ़ चुका हूं, ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे जो इस टेंस में काम का पूरा होना, कंप्लीट होना इंडिकेट करता है। जैसे बताया गया, उसने पुस्तक को पढ़ा है, या पुस्तक को पढ़ लिया है, या पुस्तक को पढ़ चुका है, ये ऐसे इसका इंडिकेशन आता है सेंटेंसों के माध्यम से, इस प्रकार से। और इसका जो है ऑक्सिलरी वर्ब हैज और हैव, तो हैज का यूज ऑफ हैज, एज लाइक द सिंगुलर पर्सन, सी, ही, इट, इसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। और हैव का यूज आई, माई, दे और यू, इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग सेंटेंस की बढ़ेंगे और एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं। तो इसमें हम चलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, इसके कंस्ट्रक्शन ऑफ रूल्स या रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें हम लोग लिखेंगे रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब इसका रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो रूल्स क्या है, पहले हम रूल्स की ओर ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या करते हैं, सब्जेक्ट, एस, सब्जेक्ट, एस यू बी, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है, हैज या हैव, ये। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, हमने मेन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया और मेन वर्ब कंटीन्यूअस में लगाया, उसके साथ आईएनजी, लेकिन इसमें भैया बहनों आईएनजी नहीं लगेगा, इसमें क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको इसलिए सबसे पहले मैंने जब वर्ब पढ़ाया था तो प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल का ये फॉर्म हमने लगभग 150 वर्ड्स को लिखवाया था कि इसको आप लोग याद करें। तो भैया बहनों यहाँ इसका यूज है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो इस प्रकार से हम आप चलेंगे एग्जाम्पल पर। फर्स्ट एग्जाम्पल, anyone has talk about them, कोई बता सकता है इसमें, tell about, चलिए, वह, ठीक है, वह अपना होमवर्क, ठीक है, अर्थात होमवर्क को गृह कार्य, वो अपना होम गृह कार्य क्या
समाप्त कर चुका है या कर लिया है, ठीक है, कर लिया है, ठीक है, या कर चुका है, ठीक है, वह अपना गृह कार्य कर चुका है या कर लिया है, ठीक है, ऐसे उच्चारण आता है। अब इसको हम लोग बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में, ही, ठीक है, ही ही, और ही क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या होगा, हैज, ही हैज, ही हैज, इसके बाद क्या आता है, वर्ब, वर्ब आ गया, वर्ब ही हैज डू डीड डन, डू क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, डू फर्स्ट फॉर्म है, डीड सेकंड फॉर्म है, ही हैज डन, ठीक है, डू डीड डन, ही हैज डन, वह पूरा कर चुका, क्या, ही हैज डन कार्य कर लिया है, ही हैज डन क्या, हीज, हीज क्यों आया है पर बताएंगे, वह के लिए हीज होगा, ही के बाद हीज होगा, दे का देम होगा, यहां यू होता तो योर होता, यहां पर सी होता तो हर होता, इसलिए उसका अलग प्रोनाउंस बदलता है, तो ही हैज डन हीज क्या, होमवर्क, होम वर्क, वह अपना गृह कार्य कर लिया है या कर चुका है, ही हैज डन हिज होमवर्क। चलिए, इसमें किसी को डाउट है, वो भी होता है, ठीक है, तो इसमें अब हम आते हैं, यदि कोई भैया बहने इस टेंस को इस प्रकार से बनाए, जैसे आप क्लास में कोई भैया बहने खड़े होते हैं, कहते हैं कि आचार्य जी मैं इसको इस प्रकार से बना दूंगा, कहने बताओ भाई, तो बोलता है कि ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है, या ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, वो अपने होमवर्क कर लिया है, तो ये भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, ही हैज कंप्लीटेड, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, या ही हैज डन हिज होमवर्क। तो हमको सदा ध्यान रखना है, ऑलवेज बी केयर फॉर दिस सेंटेंस, हाउ टू यूज विथ हैज, हाउ टू यूज विथ हैज, हैज के साथ हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे वर्ब का, तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, हैज और हैव के साथ और हैड के साथ। और जब हम लोग ने पढ़ा होगा कि एक्टिव से पैसिव में हम जो चेंज करते हैं, तो वहां भी इज आर एम वाज वेयर के साथ भी हम सेकंड थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, तो वो अलग कंस्ट्रक्शन है। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस पर, तुम, ठीक है, तुम नदी में स्नान कर चुके हो या कर लिए हो, कर चुके हो, तो तुम के लिए क्या करेंगे, यू, चलिए बताइए रिशु, यू, ठीक है, यू। अब यू के साथ हम कौन से आगजनी वर्ब का यूज करेंगे बताइए स्नेहा, यू के साथ यू हैव, ठीक है, ठीक, बताइए यू हैव क्या, यू हैव, तुम नदी में स्नान कर चुके हो, यू हैव बाथ, बाथड, बाथड, बी ए टी एच ई डी, यू हैव बाथड कहां, इन द रिवर, यू हैव बाथ इन द रिवर, राइट, क्या सभी लोग समझ गए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं, यू हैव बाथ इन द रिवर। अब वे, ठीक है, चलिए आप लोग को ये सेंटेंस बताइए, वे, हाँ बोलिए, वे, वे, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ, वे मैदान में, ठीक है, वे मैदान में क्या खेल चुके हैं,
खेल चुके हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, दे, वे मीन्स वे का दे, दे दे के साथ क्या करेंगे, दे हैव प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है। दे हैव पी एल ए वाई ई डी, दे हैव प्लेड कहाँ, इन द ग्राउंड, वे मैदान में खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड इन द जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव पर, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव में आएंगे। अच्छा, क्या आप कह रहे हैं, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, कोई वाक्य, हाँ बोलिए, आप बोलिए। हम लोग, ठीक है, हम लोग का, ठीक है, हम लोग दूध पी चुके हैं, ठीक है, हम लोग दूध पी लिए हैं या पी चुके हैं, ठीक है, पी लिए हैं, हाँ बनाइए, चलिए। अच्छा, आप ही बोले, आप बनाएंगे, बोलिए क्या बोलते हैं, बनाइए। हाँ, वी हैव, ठीक है, हम लोगों का वी हैव ड्रिंक या टेक, वी हैव ड्रिंक होगा, क्या होगा बताइए, हम बोलिए, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ठीक है। वी हैव ड्रिंक, एक फर्स्ट बार ड्रिंक ड्रैंक ड्रैंक की ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक, वी हैव डी आर ए एन के ड्रैंक क्या, मिल्क, एम आई एल के मिल्क, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे निगेटिव पर, निगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। अब निगेटिव में भैया बहनों, इसका कंस्ट्रक्शन होगा केवल हैज और हैव के बाद नॉट केवल जोड़ देते हैं तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो जैसे अब इसका हम लोग रूल्स नहीं लिखेंगे क्योंकि आसान है, केवल हैज और हैव के बाद हम नॉट जोड़ देते हैं। तो जैसे मैं, ठीक है, जैसे मैं होमवर्क नहीं किया हूं, ठीक है, मैं होम वर्क क्या नहीं किया हूं, नहीं किया हूं, क्या करेंगे, आई बोलते जी, आई, ठीक है, आई हैव, और क्या हो जाएगा, हैव के बाद नॉट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, या डन, आई हैव नॉट, देखो, कंप्लीटेड होमवर्क या माई होमवर्क, ठीक है, आई के साथ माई, आई हैव नॉट कंप्लीटेड होमवर्क, डब्ल्यू ओ आर के होमवर्क, ठीक है, चलिए, या आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, चलिए सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस, तुम, ठीक है, तुम समाचार पत्र, तुम समाचार पत्र पढ़ लिए हो, पढ़ चुके हो, ठीक है, यू
यू हैव रेड, ठीक है, रेड का तीनों फॉर्म एक ही होता है, यू हैव रीड न्यूज पेपर, ठीक है, तुम समाचार पत्र पढ़ चुके हो, नहीं तुम समाचार पत्र नहीं पढ़ चुके हो, यू तुम समाचार पत्र नहीं, नेगेटिव है ना, देखो भूल हो रहा था, तुम समाचार पत्र नहीं पढ़ चुके हो, यू हैव नॉट रीड न्यूज पेपर। अगला नेक्स्ट, वे लोग बोलिए, वे लोग उपन्यास नहीं पढ़े हैं, वे लोग उपन्यास नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है, they have not read novel, ठीक है। अब हम लोग फिर बढ़ेंगे, वह, ठीक है, वह अपना पाठ याद कर चुका है, वह अपना पाठ नहीं याद कर चुका है तो क्या करेंगे, वह का he has not learnt his lesson, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव की ओर, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अब भैया बहनों, जैसे इज आर एम वाज वेयर को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हैज और हैव को सब्जेक्ट के अनुसार पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका कंस्ट्रक्शन, TRUCTION, इसका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, तो भैया बहनों सब्जेक्ट के अनुसार हैज और हैव को क्या करते हैं, वाक्य पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हैज, और जब हैज को पहले लिखेंगे भैया बहनों तो हैज हमारा कैपिटल से हो जाएगा, क्योंकि बीच में रहेगा तो हैज इस्तेमाल होगा, तो हैज या क्या बोलिए, हैज और हैव, ठीक है, हैज, इसके बाद क्या करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट का इंडिकेशन है एस, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट,
भैया बहनों, एक एक सेंटेंस में हम लोग ये भी जानते रहेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार ये क्या होगा। जैसे ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। हैज क्या है, ऑग्ज़ीलियरी वर्ब है। नॉट क्या है, निगेटिव है। लर्नड क्या है, ये वर्ब है। और हिज क्या है, ये प्रोनाउंस का ये पार्ट्स है। हिज, ही का हिज, दे का देम, आई का माई, ही का हर। और लेसन क्या है, ये हमारा नाउन है। तो इस प्रकार से हम पार्ट ऑफ स्पीच के दृष्टिकोण से इस पर भी हम विचार करते रहेंगे कि कौन सा ये चीज क्या है। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ओ। अब जैसे एक एग्जांपल बताएंगे। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, पहला एग्जांपल नेक्स्ट बोलिए क्या। हाँ बोलिए क्या। हाँ बोलिए क्या। तुम, क्या तुम नदी में, क्या तुम नदी में स्नान कर चुके हो। क्या तुम नदी में स्नान कर चुके हो, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या हो गया, हैज की हैव होगा। बोलो हैव। ठीक है, हैव यू। ठीक है, हैव यू बाथड क्या इन द रिवर। हैव यू बाथड इन द रिवर। चलो नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह भोजन, ठीक है, क्या वह भोजन या खाना खा चुका है, क्या वह भोजन कर चुका है या कर लिया है। क्या वह भोजन कर चुका है, क्वेश्चन मार्क। हैज ही क्या हो जाएगा, हैज ही टेकन हिज फूड। क्वेश्चन मार्क। अब इसको कोई भैया बहने कह सकता है कि हैज ही ईटन भी हो सकता है। हैज ही ईटन हिज फूड। जैसे भैया बहनों हम कहते हैं मैंने भोजन ले लिया है, ऐसा भी लोग करते हैं, मैंने रात का भोजन ले लिया है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने रात का भोजन कर चुका है। तो यदि कोई ऐसा भी कहता है कि ही हैज ईटन हिज फूड, वो अपना भोजन कर चुका है, या ही हैज टेकन हिज फूड, दोनों बात एक ही है। तो यहां हम कोई भैया बहन यह भी बना सकता है कि ही हैज ईटन हिज फूड। ठीक है, ही हैज ईटन हिज फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स बोलिए क्या। ठीक है, क्या तुम लोग, क्या तुम लोग बोलिए इसके आगे प्लस करें सेंटेंस में बनाइए। क्या तुम लोग मेला जा चुके हो, क्या तुम लोग, ठीक है, मेला जा चुके हो, मेला जा चुके हो, क्वेश्चन मार्क आप बनाइए। चलिए इटर्न यू टेल अबाउट। हाँ, हैज क्या होगा, हैज बोले बोली हैज नहीं गलत है, यू के साथ हैज क्यों होगा, हैव होगा। चलिए चलिए हैव यू क्या तुम लोग मेला जा चुके हो। हैव यू गॉन टू द
हैव यू गॉन टू द फेयर, FAIR फेयर, और क्वेश्चन मार्क। भैया दोनों फेयर माने क्या होता है, सुंदर भी होता है। फेयर मीन्स हमारा रफ और फेयर, जैसे कोई कहता है कि मैं फेयर करता हूं, सुंदर करता हूं अर्थात। और फेयर मीन्स मेला, और एक फेयर माने उचित। तो हैव यू डन, हैव यू गॉन टू द फेयर, क्या तुम लोग मेला जा चुके हो। चलिए अगला, क्या क्या वह, क्या वह गाय का दूध, ठीक है बहुत ठीक, क्या वो गाय का दूध पिया है, क्या वो गाय का दूध पी चुका है या पिया है ठीक है, या पी चुका है, एक ही बात, क्या वो गाय का दूध पी लिया है या पी चुका है या पिया है, खाया है, पहना है। तो क्या वह गाय का दूध पी लिया है, हैज, ये सिंगुलर पर्सन है, हैज ही ड्रैंक काउज मिल्क, हैज ही ड्रैंक्स COW काउज मिल्क, क्वेश्चन मार्क। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पर, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, निगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है। जैसे इसमें भैया बहनों दोनों का इंडिकेशन होता है, जैसे क्या तुम लोग नहीं समझ रहे हो, और जैसे क्या तुम लोग ये पाठ कर लिए हो, जैसे क्या तुम लोग पाठ को नहीं समझते हो, रह जाता क्या, हाँ ठीक, क्या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या तुम लोग पाठ नहीं याद किए हो, ठीक है, क्या क्या तुम लोग पाठ नहीं, दोनों हो गया, नहीं याद किए हो ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Have you not learnt? LEARNET. Have you not learnt the lesson? The LESSON question mark. तो इस प्रकार से एक उदाहरण इसका और हम एग्जाम्पल लेंगे कि क्या वे लोग खाना नहीं खाए हैं, क्या वे लोग भोजन नहीं किए हैं ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या वे लोग have they not eaten क्या हो जाएगा, have they not eaten the food। भैया बहनों इस प्रकार से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा और समझा भी
कहीं डाउट होगा तो फिर आप लोग बाद में फिर बात करेंगे। इसके बाद इस टेंस के पर आधारित कुछ आपको होमवर्क दिया गया है, जैसे इंग्लिश ग्रामर टेंस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। इसको हम इसको सेंड कर देंगे, एक दो बार देख लीजिए। वह अपना गृह कार्य कर लिया है ही, ठीक है। और इस प्रकार से हम इसको होमवर्क में दिए हैं। मैं अपना गृह कार्य कर लिया हूँ, वह चिड़ियों को मार चुका है, वे गाना गा चुके हैं, हम लोग मैदान में दौड़ चुके हैं, क्या तुम भोजन कर चुके हो। इस प्रकार से ये वाक्य हम जो दिए हैं आपको, फिर इसको सेंड किया जाएगा। इसको आप लोग ठीक से बनाएंगे, और कहीं डाउट होगा, कहीं आपको डिफिकल्टी जाएगी तो फिर आप लोग इसमें पूछेंगे, उसका हम फिर दोबारा उसको हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।